बताया था कि मैं एक बदकिरदार लड़की हूँ, ये बताया था मैंने आपको, तो आपको शर्म आनी चाहिए एक टीचर होकर स्टूडेंट के बारे में ऐसी फजूल बकवास लिख रहे हैं। तेरे बिन ड्रामा अब खत्म होने वाला है। मीरब अपनी मर्जी की आजादी हासिल कर चुकी है, जिसकी वो हमेशा से ही उम्मीद करती थी। अब मुर्तसिम इतनी आसानी से तो मीरब को वापस लाने वाला नहीं। अब मरियम वापस आने के बाद मुर्तसिम से तो माफी मांगेगी ही और साथ ही उसे बताएगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये मलिक जुबैर है, मेरी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बन गई थी। अब हया से कोई नहीं पूछ रहा, अगर तुम्हें ये सब कुछ पता था तो तब मरियम को बताया क्यों नहीं था, मीरब को रोका क्यों नहीं था कि ये मलिक जुबैर है, ऐसा मत करो। हया चाहती तो सब कुछ रोक सकती थी, सबकी इज्जत हया बचा सकती थी, मगर उसे तो मीरब और मुर्तसिम को अलहदा करना था, जिसमें वो भी कामयाब हो गई है। लेकिन अब वो जो ख्वाब देख रही है कि मुर्तसिम मीरब को तलाक देकर उससे शादी कर लेगा, ये ख्वाब तो उसका ख्वाब ही रह जाएगा। अब मरियम जब मुर्तसिम को बताएगी मीरब ने मेरी मदद सिर्फ इसलिए की थी, वो मलिक जुबैर को मेरी तरह अनस समझ रही थी, अगर उसे पता होता कि मलिक जुबैर है तो कभी हम ऐसा ना करते। आप मेरी वजह से मीरब को मत छोड़ें, मैं हया को जानती हूँ। उसने ये सारी वीडियोस और नुरेज से शादी से इनकार सिर्फ आप दोनों को अलहदा करने के लिए किया है, जिसके बाद मुर्तसिम मीरब को माफ कर देगा। तब तक मीरब को भी खूब अच्छी तरह से अपनी गलती का अंदाजा हो चुका होगा, तब तक मीरब की बेटी भी हो जाएगी और औलाद होने की वजह से माँ बेगम भी मीरब को माफ करके हवेली में ले आएगी। कौन कौन इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग देखना चाहता है कमेंट करके हमें लाजमी बताइएगा, और मजीद ड्रामा वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।